गाइस, दिस रोनक। और आज हम बात करने वाले एक वायर्ड ईयरफोन के बारे में। तो अगर आपका बजट 800 रुपीज़ है और आपको एक अच्छे क्वालिटी वाले ईयरफोन परचेस करना है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। आज हम बात करने वाले हैं हर्ट्ज कंपनी की तरफ से आने वाले बेज हंटर प्रो के बारे में, जो कि आपको काफ़ी प्रीमियम लुकिंग डिज़ाइन के साथ मिलता है और ये आपको 800 रुपीज़ के अराउंड मिल जाता है अमेज़ॉन पे। तो आज हम इसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ, तो आपको पता चलेगा कि क्या आपको ये परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। उसके अलावा कई सारे और ईयरफोन हमने ऑलरेडी अनबॉक्स किए हुए, तो उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जल्दी से जाइए वो भी आप चेकआउट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही टेक वीडियो के लिए हमारे चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये बॉक्स मिल जाता है, इसमें लिखा हुआ है बेज हंटर प्रो वायर्ड ईयरफोन्स और यहाँ पे कुछ हाइलाइट लिखी हुई है जहाँ पे टेंगल फ्री आपको डिज़ाइन मिल जाती है विथ म्यूज़िक एंड वॉल्यूम कंट्रोल दिया हुआ है। उसके साथ आपको मेटालिक ईयरबड्स मिल जाते हैं और आपको काफ़ी अच्छी कंफर्टनेस यहाँ पे मिलने वाली है। पीछे की ओर कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं जिसमें यहाँ पे ड्राइवर साइज 8 mm लिखा हुआ है, तो देखने वाली बात है इसकी क्वालिटी कैसी होगी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके की फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। और यहाँ पे एक मुझे बात अच्छी लगी कि इस यहाँ पे आपको 6 नंबर्स एक्स्ट्रा ईयरबड्स मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। चलिए इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन होगा और हमारे ईयरबड्स कुछ इस तरीके से पैक होके आए हुए हैं। यहाँ पे थैंक यू के रिगार्डिंग कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पे साइड में आपको उसकी जितने भी हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल, वहाँ पे वो मिल जाएगा और आप उनको इस जगह पे फॉलो कर सकते हो। चलिए अभी इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे हर्ट्ज बेज हंटर प्रो वायर्ड ईयरफोन है। तो यहाँ पे ओपन करने के साथ आपको यूजर मैनुअल मिल जाता है और एक कार्ड दिया हुआ है, तो आप ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको दो तरीके के पैकेट में ईयरबड्स मिल जाते हैं जहाँ पे 5 क्वांटिटी है और एक प्री अप्लाई है, तो यहाँ पे टोटल 6 नंबर ऑफ ईयर टिप्स आपको मिल जाते हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। नॉर्मली यहाँ पे 3 तरीके के मिलते हैं लेकिन यहाँ पे 6 तरीके के मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं इसकी डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी डिज़ाइन मुझे काफ़ी यूनिक लगी है और इसका शेप भी काफ़ी यूनिक है। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मिल जाते हैं और पूरा आपको मेटल बेस मिलता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी बात है। ड्यूरेबल यहाँ पे आपको मिल जाता है। ओवरऑल यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है ईयरबड्स की। यहाँ पे फ्लैट केबल दिया हुआ है और बीच में आपको कंट्रोलर दिया हुआ है जहाँ पे प्लस माइनस और मल्टीफंक्शनल बटन दिया हुआ है, और वहीं पे आपको माइक्रोफोन भी मिल जाता है। यहाँ पे ये चीज़ भी आपको मेटल की मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। डिवाइडर भी यहाँ पे आपको मेटल का दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी मुझे लगी। पूरा यहाँ पे आपको फ्लैट केबल दिया हुआ है और इसकी लेंथ आपको 1.2 मीटर आपको मिल जाती है। गोल्ड प्लेटेड यहाँ पे आपको हेडफोन जैक मिलता है, जो कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये रेड रिंग भी यहाँ पे मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है और यहाँ पे इसका लोगो वगैरह और जो डिज़ाइन है वो मुझे यहाँ पे यूनिक लगी और काफ़ी अच्छी लगी। ओवरऑल यहाँ पे अगर बिल्ड क्वालिटी की और डिज़ाइन की बात करो तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, स्पेशली मेटल दिया हुआ है जो कि बेस्ट है। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपके कानों में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, काफ़ी कंफर्टेबल है। और अगर आप जॉगिंग वगैरह भी करते हो तो ये जल्दी से निकलेगा नहीं और ओवरऑल इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिल जाती है। तो अब हम बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी माइक की सैंपल के बारे में और उसकी क्वालिटी कैसी है उसके बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट अगर मैं इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो 8 mm का ड्राइवर यहाँ पे दिया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाती है। बेज़ इतना हैवी नहीं है लेकिन बेज़ आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। हैवी अगर होता है तो क्या होता है कि थोड़ा आपको बेज़ ज़्यादा मिलता है, वोकल्स वगैरह कम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे बैलेंस साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लाउडनेस के मामले में भी अच्छा है और इसके मामले में यहाँ पे ये बात मुझे अच्छी लगी कि ये डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है वॉइस, और आराम से अगर आप काफ़ी लाउड सुन रहे हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओवरऑल यहाँ पे साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, 8 mm है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो साउंड क्वालिटी के मामले में ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, 800 रुपीज़ की प्राइस पर आपको काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाती है। अब मैं आपको माइक का सैंपल दिखाता हूँ, तो आप उसको जज कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि आपको उसकी क्वालिटी कैसी लग रही है, उसके बाद मैं मेरा ओपिनियन के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे आप जो आवाज़ सुन रहे हो वो इस ईयरफोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की गई आवाज़ है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या अगर कॉलिंग के लिए आपको एक अच्छा सा वायर्ड ईयरफोन परचेस करना है तो क्या आप इस तरीके के क्वालिटी वाला
जो माइक्रोफोन आपको मिलता है वो वैसा आप खरीदना पसंद करोगे या फिर दूसरा कोई, जल्दी से मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पे अगर मैं इसके माइक्रोफोन की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन लगा। यहाँ पे कोई नॉइस वगैरह इतना आपको मिलता नहीं है और आप आराम से किसी के साथ घंटों बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ओवरऑल माइक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब हम बात करते हैं इसकी ओवरऑल रेटिंग के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग इसको रेटिंग देना चाहूँ तो इसको मैं रेटिंग दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5। तो यहाँ पे आप अगर एक 800 रुपीज़ का वायर्ड ईयरफोन परचेस करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हो। तो अगर आपको परचेस करना है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। उसके अलावा कई और वीडियोज़ भी मैंने बनाए हैं वायर्ड ईयरफोन के, तो उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे टेक वीडियो के लिए हमारे चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम कुछ ऐसे एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।